नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं ऋषा आपका स्वागत करती हूँ नॉलेज मंत्रा के एकदम ब्रांड न्यू एपिसोड में। हमारी डेली लाइफ में पंखे ना एक अहम भूमिका निभाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर किसी के यहाँ पंखे तो जरूर लगे होते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि आपके घर में ये पंखे कैसे लगे हुए हैं तो आप सोचेंगे कि ये सवाल हुआ। जाहिर सी बात है कि पंखे छत से नीचे की ओर लटके हुए लगे होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की संसद यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पंखे उल्टे लगे हैं, यानी कि पंखे जमीन से छत की ओर लगे हैं। सुनकर हैरानी हुई ना, लेकिन यह सच है। इसके पीछे की वजह भी बहुत रोचक है जो हम जानेंगे हमारे फैक्ट नंबर वन में। अगर आपने संसद भवन की सेंट्रल हॉल की तस्वीर या वीडियो देखी तो गौर करिएगा कि वहां उल्टे पंखे लगे हैं। आपको बता दें कि 21 फरवरी 1981 को ड्यूक ऑफ नॉर्थ ने संसद भवन की नींव रखी थी। संसद भवन को डिजाइन करने की जिम्मेदारी मशहूर आर्किटेक्चर एडविल लुटिस और हर्बर्ट बेकर को दी गई थी। संसद भवन को बनाने में 6 साल का समय लगा। भवन तैयार होने के बाद भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इवन ने 18 जनवरी 1987 को इसका उद्घाटन किया था। संसद भवन की कई खासियत है जो इसकी बनावट को काफी अलग बनाती है। इसी में से एक है इसके सेंट्रल हॉल में जमीन से लगे हुए सीलिंग फैन। एक्सपर्ट की मानो तो जब संसद भवन बना तो इसका गुंबद बहुत ही ऊंचा बनाया गया। सेंट्रल हॉल का गुंबद पूरे संसद का सेंटर है। ऐसे में उस समय जब पंखे लगाने की बारी आई तो छत काफी ऊंची थी, जिसके कारण सीलिंग फैन लगाना मुश्किल हो रहा था। लंबे डंडे के जरिए भी पंखे लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं जमी। इसके बाद सेंट्रल हॉल की छत की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए अलग से खंभे लगाए गए, फिर उन पर उल्टे पंखे लगाए गए जिससे हॉल के कोने कोने तक हवा पहुंच सके। तब से ही ये पंखे इसी तरह लगे हुए हैं। संसद भवन की ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए कोई बदलाव भी नहीं किया गया है। यही वजह है कि आज भी यह उल्टे पंखे ही लगे हुए हैं। गौरतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को भारत की संसद की नई इमारत का शिलान्यास किया। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन के पास ही बनना प्रस्तावित है। जानकारी के मुताबिक ये एक तकनीकी इमारत होगी, जबकि मौजूदा संसद भवन वृत्ताकार है। आजकल जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं ना, मुझे लगता है कि कुछ दिनों में मुझे साइकिल से आना जाना करना पड़ेगा। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि काश ऐसी कोई जगह होती जहाँ पेट्रोल डीजल के बिना गाड़ियाँ चलती। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भी क्या सोच रही हूँ, पर क्या आप जानते हैं कि जो मैं सोच रही हूँ वैसी जगह हकीकत में भी है, और वो भी हमारे ही देश में। कौन सी है वो जगह और कैसे वहाँ बिना पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ चलती है, आइए जानते हैं हमारे फैक्ट नंबर टू में। दुनिया में कई ऐसी चीजें और बातें हैं जिन पर आंखों और कानों को भरोसा नहीं होता। ऐसी बहुत सी जगह है जो अलग अलग रहस्यों से भरी हुई है, और ऐसी एक जगह हमारे देश भारत में भी है। भारत में एक ऐसा पहाड़ी इलाका है जहाँ बिना पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ चलती है। ये पहाड़ी लद्दाख के लेह क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की सड़क पर गाड़ी अपने आप चलती है। इतना ही नहीं, अगर कोई अपनी गाड़ी इस जगह पर खड़ी कर दे तो उसे अपनी वो गाड़ी नहीं मिलेगी। ये सब कैसे होता है, इस रहस्य का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पहाड़ी क्षेत्र में चुंबकीय शक्ति जो गाड़ियों को करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी ओर खींच लेती है, इसलिए इसे मैग्नेट हील भी कहा जाता है। आप ये जानकर दंग रह जाएगी कि इस पहाड़ी पर चुंबकीय प्रभाव इतना ज्यादा है कि इसके ऊपर से उड़ने वाले जहाज भी इससे बच नहीं पाते हैं। कई पायलट इस बात का दावा कर चुके हैं कि यहाँ से उड़ान भरते वक्त बहुत बार प्लेन में झटके महसूस किए गए हैं, इसलिए उन्हें इन चुंबकीय शक्ति से बचने के लिए जहाज की रफ्तार को तेज करना पड़ता है। इस मैग्नेटिक हील को ग्रेविटी हील के नाम से भी पुकारा जाता है। कहते हैं कि इस पहाड़ी पर गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी फेल हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार अगर हम किसी वस्तु को ढलान पर छोड़ देते हैं तो वह नीचे की तरफ लुढ़केगी, लेकिन चुंबकीय पहाड़ पर ठीक इसके विपरीत होता है। घर में पालतू कुत्ता या बिल्ली रखने के पीछे हर किसी की अपनी वजह होती है। किसी को जानवरों से बहुत लगाव होता है तो कोई अपना अकेलापन उनके साथ बांटता है। पर क्या आप जानते हैं कि घर पे पेट्स पालने से आपकी सेहत को भी फायदे होते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इसके पीछे का रीजन हमारे फैक्ट नंबर 3 में।
घर में पेट्स यानी पालतू जानवर पालने से अगर आपको खुशी मिलती है तो यह जानकर आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी कि घर में पेट्स पालने से आपकी सेहत को भी फायदे होते हैं। जर्नल ऑफ एलर्जी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में प्रकाशित यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के शोध में फर वाले जानवर जिन परिवारों में होते हैं उनके बच्चों को दमा और एलर्जी का रस कम होता है। माइंड लैब इंटरनेशनल के एक शोध के अनुसार 55% लोग अपने पालतू जानवरों के साथ समय बिताने के बाद दिन भर का तनाव भूल जाते हैं, जबकि 44% लोगों की काम की चिंता कम हो जाती है। क्वींस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का मानना है कि घर में कुत्ता पालने से ब्लड प्रेशर कम करने और कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद मिलती है। कुत्ता पालने से शारीरिक गतिविधियां बढ़ती है और तनाव घटता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण रखना आसान होता है। एक अध्ययन में 4,500 लोगों की शोध के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि बिल्ली पालने से दिल के दौरे का खतरा 40% तक कम हो सकता है, यानी अगर घर में कोई दिल का मरीज है तो बिल्ली जरूर पाले। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित मिसौरी यूनिवर्सिटी के शोध में पाया गया कि जिनके घर में पालतू कुत्ते हैं वे अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करते हैं, इसलिए उन्हें वजन घटाने में आसानी होती है। नॉलेज मंत्रा के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे नॉलेज मंत्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए BCN News। नमस्कार।